किस स्टॉक पे राय जाननी है? नमस्कार मैम जी, मेरे पास अडानी पावर 800 शेयर है, 229 रुपए के रेट में। अच्छा हाँ जी, तो मैम मैं पूछना चाह रहा था कि होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? जी, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और हाल फिलहाल हमने देखा कि जो पूरा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन रनअप के बाद कुछ न्यूज़ फ्लो के चलते भी वहाँ पे थोड़ा सा हमें बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं, पर अविनाश जी इतने अच्छे प्रॉफिट के बाद क्या ये एक अच्छा एग्जिट पॉइंट रह सकता है राजा जी के लिए, क्योंकि इनके पास 800 शेयर्स हैं 229 के प्राइस से, या फिर आपको लगता है कि जो ये चाल देखने को मिली है हमें तेजी से ऊपर की तरफ ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, तो इसमें आप बने रहें, आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी पावर इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे एंटर किया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि सभी यू नो इन्वेस्टर्स को पता है कि अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो कर्जा है। सारे बिजनेसेस में कर्जा काफ़ी ज़्यादा है और उसलिए बिजनेस डेफिनेटली थोड़ा बहुत यू नो वन हैज़ टू सी विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉशन। बट ओवरऑल अडानी पावर की बात करें तो अभी ऊपर जाने के बाद स्टॉक में एक बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिला है। हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा सेलिंग अभी भी आ जाए, बट ओवरऑल जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस Q4 और फर्स्ट क्वार्टर के आ गए उसमें कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाई है। पावर जनरेशन के कंपनीज में बहुत ज़्यादा यू नो मार्केट में रिस्क एपेटाइट बढ़ा है, यू नो मार्केट्स में ये स्टॉक्स काफ़ी पसंद है और पावर जनरेशन में डेफिनेटली अडानी पावर भी काफ़ी अच्छा करेगा। तो करीबन 25-30% जो क्वांटिटी है एक बार यू नो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बैलेंस होल्ड कर लीजिए। हमारा मानना है कि FY23 शुड ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर, बट जिस प्रकार का इनका रिस्क रिवॉर्ड है, इन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है, मेरे ख्याल से थोड़े से पेपर प्रॉफिट्स अगर ये एक्चुअल पैसा कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इनको यू नो इस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी फायदा होगा। ठीक है मैडम, मैं थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हूँ, जो शेयर लेता हूँ वो चलता नहीं और बेचने के बाद ही चलता है। आप क्या, मैंने इंक्वायरी भी करी काफ़ी, अभी मैंने इंडस टावर ले रखा है, मतलब ये 210 रुपये का मेरा लिया हुआ रखा है और बाजार सेंटीमेंट अच्छा है, टेलीकॉम के शेयरों में भी तेजी है लेकिन शेयर नहीं चलता। देखिए प्रांजल, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखूं तो कितने दिन रखूं? मुझे टाइम की दिक्कत नहीं है, अविनाश जी या जो भी आपके मुझे गाइड कर दें तो मेरे को इसमें कुछ अच्छी तेजी मिल जाए। मैं 3-4 लाख रुपए का लॉस बुक कर चुका हूँ, उनको बेच के शेयर लिया है मैंने। ओके, हम समझ सकते हैं। सिर्फ यही काउंटर है जिसपे आपको राय चाहिए या कोई और काउंटर भी है आपके लिस्ट में? कल तो मैंने बेच दिया था उसको। ठीक है, इंडस स्टार पे ही आपको राय देते हैं, पर प्राण जी एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए ट्रेडिंग का अगर आपका नज़रिया है तो उतार चढ़ाव से फ़र्क पड़ना चाहिए, बट अगर आप लंबे समय के लिए, जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि लॉस बुक करने के बाद अब आप होल्ड करने की भी क्षमता रखते हैं, तो मजबूत कंपनियों में लगा के थोड़ा सा समय तो आपको ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात पैसा बनना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। अविनाश जी, आपने इनका सवाल सुना, थोड़ा ये लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हैं और अब एंट्री ली है इंडस टावर में, 3000 के शेयर, 3000 क्वांटिटी खरीदी है 210 की बाइंग प्राइस से, क्या ये काउंटर ऐसा आप समझते हैं जो कि इनको अच्छे रिटर्न्स दे सके? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगते हैं रिटर्न्स के लिहाज से? देखिए पहली बात तो इंडस टावर एक सबसे बड़ा यू नो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो टेलीकॉम कंपनीज यूज़ करती है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी 5G का रोल आउट होने वाला है आने वाले 1-2 सालों के लिए, डेफिनेटली जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनियां हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। कहीं ना कहीं नेटवर्क का यू नो अगर यूज़ करना है तो इंडस टावर्स का नेटवर्क जो है टावर्स का वो सबसे बड़ा है, एक सबसे बड़े प्लेयर है इस फील्ड में, तो मुझे लग रहा है कि इनको नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए। कंपनी काफ़ी वेल मैनेज्ड है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इंटरेस्ट स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस का है, FIIs का है, लोकल PMSs का है, तो इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि इसके शेयर होल्डर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और टेलीकॉम सेक्टर में हम देख ही रहे हैं कि प्राइसिंग पावर आ गया है, यू नो ARPUs बढ़ गए हैं, प्लस ये जो 5G का रोल आउट आएगा तभी डेफिनेटली टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि नेटवर्क एक्सपांशन के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि अगर कम से कम 1-1.5 साल का ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी है,
तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म नहीं बट एटलीस्ट मीडियम टर्म व्यू लेके यहाँ पे उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो प्राण जी आपके लिए राय है कि मध्यम अवधि के लिए आप इस पर्टिकुलर काउंटर में बने रहें और उसके पीछे के फंडामेंटल रीजन क्या है वो भी अविनाश जी ने आपको बताए।